हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर 31 ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी. स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड निम्नलिखित शब्दों पर ई की मात्रा लगाओ. स्टूडेंट्स, आपको कौन सी मात्रा चल रही है? आपकी ई की मात्रा. कौन सी ई की? बड़ी ई की. बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है? वन के पीछे लगती है. ओके, लुक हेयर. प, प में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो ये क्या बन गया? पा. ये क्या है? न. आपको देखो यहाँ डॉट दे रखा है, इसके पीछे आपको कौन सी मात्रा लगानी है? बड़ी की. ओके, देखिए प, फिर प में आ की मात्रा, फिर आपको न लिखना है और न के पीछे बड़ी की मात्रा लगानी है, तो कौन सा शब्द बन गया? पानी. पानी. ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, पानी. पानी. ओके, नेक्स्ट ख. अब देखिए इसमें ख के बाद डॉट है, तो आपको ख के पीछे बड़ी की मात्रा लगानी है. ओके, ख, फिर बड़ी की मात्रा खी, फिर क्या है? रा. तो क्या शब्द बन जाएगा? खीरा. ओके, आपको यहाँ पे भी क्या लिखना है? खीरा. ओके, नेक्स्ट न. न के पीछे बड़ी की मात्रा नी. ला. तो क्या बन जाएगा? नीला. यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? नीला. ओके, नेक्स्ट दा. द के बाद देखिए इसमें डॉट है ना, तो इसमें द के बाद लगेगी, तो दादी. क्या बन जाएगा? दादी. दादी. यहाँ भी क्या लिखेंगे? दादी. दादी. ओके, नेक्स्ट च. च के बाद बड़ी की मात्रा ची ता, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? ची ता. ची ता. ओके, नेक्स्ट अंगों के नाम लिखो. अंग. अंग किसे कहते हैं? जो अपने बॉडी नेम होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अंगों के नाम लिखो. देखिए फर्स्ट पीठ. पी में बड़ी की मात्रा है. जीभ. जी में भी बड़ी की मात्रा है. सिर. लेकिन सिर में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है. क्यों? क्योंकि ये वन से पहले है. ओके, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? पीठ. यहाँ पे भी आपने लिखा पीठ, फिर आप लिखेंगे जीभ. यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? जीभ. फिर लिखेंगे सिर. लेकिन सिर में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है. ये बड़ी की मात्रा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दी गई है. दो तो कौन सी है? बड़ी की मात्रा और एक छोटी की मात्रा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. आपको ऐसे लिखना है, साथ के साथ बोलते जाना है. ओके, थैंक यू.